हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2023 में जो नई लॉन्च हुई वरना, ये स्टेरी नाइट कलर। दोस्तों अगर ये मॉडल वेरिएंट की बात करेंगे तो वरना 1.5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। दोस्तों हमने रिव्यू किया था ऑटोमेटिक IVT गाड़ी का, अभी हम देखेंगे IVT में और वरना MT SX मॉडल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये सामने जो कलर दिख रहा है ये है स्टेरी नाइट कलर, काफ़ी शानदार कलर दोस्तों देखने में है। शुरू करते हैं सबसे पहले चाबी से। अगर हम चाबी की बात करेंगे तो ये हमको स्मार्ट कीलेस एंट्री आएगी, ये देख सकते हो चाबी, जिसमें हमको ये लॉक अनलॉक होल्ड करके रहेंगे तो इंजन स्टार्ट होगा। ये डिक्की ओपन करने के लिए अनलॉक करने के लिए दिया हुआ है, ऐसे दोनों भी स्मार्ट की रहेंगी दोस्तों। तो हम अगर हम अभी ये हुआ चाबी का, अभी हम फ्रंट से अगर शुरुआत करते हैं तो फ्रंट में अगर देखेंगे तो न्यू LED DRL, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको SX पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में भी। अगर हम हेडलाइट की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे HID हेडलाइट्स आ जाएंगे, प्लस टर्न इंडिकेटर। देन इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो यह है इसका फ्रंट डार्क क्रोम ग्रिल, ब्लैक क्रोम ग्रिल दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा SX मैनुअल ट्रांसमिशन में। दोस्तों इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, फ्रंट सेंसर्स भी आपको SX मॉडल में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें यह है इसका बोनेट, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमको हुंडई का लोगो आ जाएगा, लेकिन ये दोस्तों सिल्वर सैटिन फिनिश में आ जाएगा, कोई भी क्रोम वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया हुआ। अगर हम साइड व्यू की बात करें दोस्तों इसमें, तो यह है इसका साइड व्यू, काफ़ी अच्छे खासी लंबाई चौड़ाई इसमें दोस्तों दी गई है। अगर हम इसमें डायमेंशन की बात करें तो ये गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 4535 mm की लेंथ, हाइट की अगर बात करेंगे तो 1475 mm की हाइट, विड्थ की बात करेंगे 1765 mm की विड्थ, और व्हीलबेस की अगर बात करेंगे तो 2670 mm का व्हीलबेस रहेगा। काफ़ी अच्छा खासा केबिन स्पेस दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो लगभग 170 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमको देखने के लिए मिलता है, और अगर हम व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको ये 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे दोस्तों। चारों व्हील जो है ये हमको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही देखने को मिलेंगे। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिरर प्लस टर्न इंडिकेटर विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर के साथ आएंगे। ये देखो जो विंडो बीडिंग है, विंडो लाइन हम बोलते हैं इसको, ये भी आपको सैटिन फिनिश में मिल जाएगी, सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको आ जाएगी, क्रोम का यूज़ नहीं है। चारों डोर हैंडल भी हमको सिल्वर सैटिन फिनिश में ही मिलेंगे। यह है इसका टोटल साइड व्यू, आप देख सकते हो काफ़ी लंबी गाड़ी है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अभी हम इसका रियर लुक देख लेते हैं कि रियर में हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स ये है इसका रियर लुक, काफ़ी शानदार लुक दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यह है देखो कनेक्टिंग टेल लाइट, पार्किंग लाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। चलो शुरुआत करते हैं ऊपर से। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमको शार्क फिन एंटेना मिलता है, देन यहाँ पे हमको ये रियर डिफॉगर, देन ये हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये देखो ये है हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प। देन अगर हम नीचे आते हैं तो ये है काफ़ी ज़बरदस्त लुक दोस्तों, आप देख सकते हैं ये LED टेल लाइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेक लाइट, देन ये इंडिकेटर लाइट, ये है इसका ज़बरदस्त लुक दोस्तों। ये जो है ये कनेक्टिंग टेल लाइट हमको पूरी वो बाजू तक मिल जाएगी। देन अगर हम आते हैं नीचे तो ये देखो ये डायमंड वाली डिज़ाइन भी आपको मिलती है, ये नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लुक दोस्तों आपको यहाँ पे SX मॉडल में पेट्रोल मैनुअल में देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी शानदार डिज़ाइन दोस्तों आपको ये रियर से देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अभी हम बूट स्पेस चेक करते हैं कि आपको इसमें बूट स्पेस क्या मिलता है, कितने लीटर का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखो दोस्तों रियर में कैमरा भी है, इसमें देखो 528 लीटर 528 लीटर का काफ़ी बड़ा बूस्ट स्पेस हमको दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, जो स्टेपनी कहते हैं जिसको, यह हमको 15 इंच का रहेगा। तो दोस्तों अभी हम ड्राइवर सीट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ड्राइवर्स डोर के इधर आए हैं, देखिए यहाँ पर देखो हमको ये स्मार्ट कीलेस एंट्री, यहाँ से हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी। ये दोस्तों क्रोम नहीं है, ये सैटिन सिल्वर फिनिश आ जाएगा। देन ये मैंने ड्राइवर डोर ओपन किया तो यह है इसका इंटीरियर, काफ़ी शानदार ऑफ वाइट कह सकते हैं, ब्लैक एंड ऑफ वाइट
या फिर लाइट डार्क ग्रे एंड ऑफ वाइट कलर का इंटीरियर हमको यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। केबिन स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो शुरुआत करते हैं ड्राइवर डोर से कि वहाँ पे हमको क्या क्या कमांड्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये देखो सैटिन फिनिश सिल्वर में हमको ये डोर हैंडल आएगा। देन ये मिरर एडजस्ट करने के लिए या मिरर फोल्ड करने के लिए कौन सा मिरर एडजस्ट करना है, चारों डोर लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडोज़ और ये रियर के पावर विंडोज़ लॉक करने के लिए। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है दोस्तों, ये हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा लेकिन काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन। यहाँ पे स्पीकर माउंट किया हुआ है, बॉटल होल्डर्स है। अगर आप सिटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो इसमें हमको ये देखो मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट, देन बैकरेस एडजस्टेबल, ये दोस्तों प्रीमियम फैब्रिक रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा फैब्रिक यूज़ किया है दोस्तों। देन ये है इसका इंटीरियर लुक। अभी हम दोस्तों अंदर बैठते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इंटीरियर में हमको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ड्राइवर सीट पे बैठ चुके हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ पे हमको ये बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। देन यहाँ पे ये एसी वेंट है। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये है आइडल स्टॉप एंड गो फीचर्स, काफ़ी यूज़फुल फीचर है दोस्तों, काफ़ी माइलेज अच्छा खासा मिलता है। ये है हेडलाइट का फोकस एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ। जस्ट अभी हम दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करते हैं इंजन और फिर देखते हैं क्या नॉइस वगैरह कितना आता है। तो ये दोस्तों देखो सामने, ये देखो डिजिटल स्पीडोमीटर, काफ़ी शानदार दोस्तों दिखने में, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमको ये वाइपर वॉशर्स के कंट्रोल है। देन यहाँ पे ये हेडलाइट्स के कंट्रोल। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस साइड में आपको म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। जनरली राइट साइड में होते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में, अभी इसमें हमको राइट साइड में म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल और यहाँ पे सामने जो है स्पीडोमीटर है उसके कंट्रोल्स आपको दे दिए गए हैं दोस्तों। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आपको ऑप्शंस में मिल जाता है। 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, देन इसमें हम रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है दोस्तों। इसमें अगर हम डैशबोर्ड की बात करेंगे तो प्रीमियम डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। हार्ड प्लास्टिक है दोस्तों, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, या भी कोई स्टिचिंग वगैरह है तो सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रियर में जो बैठेंगे उनको भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो ये अलार्म बजते रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये एसी वेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आते दोस्तों, क्योंकि वो डैशबोर्ड में ही दे दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी के स्विच, ये भी टच पैनल रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल यूज़ करेंगे, ये बटन प्रेस करते हम ऑटो एसी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंसी दिखाई है दोस्तों ह्युंडई ने यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वायरलेस चार्जर, देन ये काफ़ी सारे यूएसबी कनेक्टर, यहाँ पे 12 वाट का चार्जर लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। देन ये है इसका गियर नॉब, 6 स्पीड ट्रांसमिशन रहेगा दोस्तों, 1.5 लीटर का इंजन। देन यहाँ पर हमको ये हैंड ब्रेक प्लस क्रोम नॉब के साथ बॉटल होल्डर का फोल्डर, ये हमको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट फ्रंट, देन यहाँ पे हमको ये स्टोरेज बॉक्स भी दिया है। तो यह है इसका इसका दोस्तों ये फ्रंट व्यू, काफ़ी शानदार। देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यह है इसका कूल्ड ग्लो बॉक्स। आपको यहाँ पे ऊपर हम आए थे तो ये वैनिटी मिरर, देन ये लाइट्स, एलईडी लाइट्स मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों सनग्लास होल्डर नहीं आता है, यहाँ पे भी आपको ड्राइवर साइड वैनिटी में भी आपको मिरर मिलेगा। देन ये ऑटो डिमिंग मिरर आएगा, ये आपको सनरूफ का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं, ये था आपका ये फ्रंट व्यू। इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी मिलेंगे, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगी। अभी हम फ्रेंड्स चलते हैं रियर में कि या हमको पैसेंजर सीट पर क्या क्या फीचर्स, कैसा कम्फर्ट है वो देख लेते हैं। तो ये है पैसेंजर सीट पर रियर के, अभी हम देखेंगे इसके डोर के पहले कंट्रोल्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमको पावर विंडो का स्विच, देन ये डोर हैंडल मिलता है। देन अगर मिचाते तो स्पीकर माउंट किया हुआ है। देन ये बॉटल होल्डर का फोल्डर है। देन अगर हम इंटीरियर देखेंगे तो ये है इसका इंटीरियर, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। थार सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, तीन लोग आराम से कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर देखो दोस्तों, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, देन वही रियर में भी हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्लस रियर आर्मरेस्ट मिलता है दोस्तों। इसमें फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट हमको मिलेंगे। देखो अभी अब दोस्तों बैठे गाड़ी में तो अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। रियर स्पेस अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, देन ये रियर एसी वेंट प्लस चार्जिंग पॉइंट एंड मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ से यह है इसका रियर लुक। अभी हम फ्रंट जाते हैं इंजन की तरफ, इंजन स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह है इसका इंजन कंपार्टमेंट, इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसकी पावर रहेगी 115 पीएस और 143 एनएम का टॉर्क रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा पावर जनरेट करता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो यह नॉइस कैंसलेशन के लिए भी आपको दिया हुआ है, वैसे भी काफ़ी साइलेंट इंजन दोस्तों आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरे आज के गाड़ी का डिटेल रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
फिर मिलते हैं नए गाड़ी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।